वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम-ए-एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम-ए-एतमाद की तारीख आइन कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वह साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और जब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज़ करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हों, अवाम फैसला करें कि वो किसको चाहती है। मुश्किल वक्त हमारे 3.5 साल में बहुत आए हैं, यानी हर 2 महीने के बाद कोई नया चैलेंज आ जाता था। लेकिन जो आपके ईमान जो होता है ना, एक इंसान का कैरेक्टर, और ईमान ही कैरेक्टर बनाता है। याद रखें, जिनके तकड़े कैरेक्टर होते हैं वो ईमान वाले लोग होते हैं। ये समझ जाए, मेरे जिंदगी में जितने भी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज देखी हैं उनके अंदर ईमान होता है। जो ईमान होता है ना, वो अल्लाह कुरान में आपको कहता है कि मैं बार बार आपके ईमान को मुश्किलों से आजमाऊंगा। उसका वाजे है कुरान में, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बार बार आजमाता है। तो ये जो आपके लिए आजमाइश आती है ना, ये आपके लिए एक पीरियड आता है अपने आप को और ऊपर करने का। ये जब मुश्किल वक्त आता है ना, जो साइकिल निचला आता है, ये साइकिल होता है अपनी गलतियों का जायजा लेना, मेहनत करना, हार मानना नहीं, उसके बाद अपने आप को ऊपर उठाना। अब ये जो लोग भागे हैं, मैं आपको भी इनकी साइकी बता दूं क्या थी। साइकी इनकी ये थी कि एक तरफ से तो पैसे मिल रहे थे, दूसरी तरफ वो जब इन्होंने ये प्लान अभी का नहीं बना, ये इन्होंने पहले के सारे फैसले हुए थे। मुझे जब खबरें आनी शुरू हुई, माशाल्लाह हमारी एजेंसी, जो हमारी अपनी एजेंसी, वो बड़ी एक्यूरेट खबरें आनी शुरू हो गई, और ये 2 महीने से पता चलना शुरू हो गया कि इनकी मीटिंग शुरू हो गई है। और मेरा एक यहाँ बैठा हुआ है मियाँ वाली का एक मेरा MN है, जो मुझे खबरें भी देता रहा बार बार के ये मीटिंग, वो मीटिंग्स भी अटेंड कर रहा था। ये प्लान तब का बन रहा था, मैं पिछली अक्टूबर अगस्त से मुझे पता था ये गेम आने वाली है, जो मैंने अपनी सारी कैबिनेट को बताया था। देखें, सो मैंने लोगों को, ये जो लोग थे इन्होंने फैसले दो किए, एक तरफ तो पैसा इनको ऑफर होना शुरू हो गया, दूसरा इन्होंने कहा कि अब तरीके साफ गई और नून लीग का टिकट बढ़ाए जहां, अब तो नून लीग ही जीतेगी। तो देखें, जब आप इस बदनीयती के ऊपर फैसले करते हैं, आपकी जिंदगी में ही जिल्लत होती है। अब इनकी जिंदगी में जिल्लत है, इनकी पॉलिटिक्स खत्म, इनकी पॉलिटिक्स खत्म। मैं आपको कह रहा हूं कि इनकी आप इनका नाम भी नहीं अब सुनेंगे पॉलिटिक्स में, कि हमने अब इस बार कभी वो गलती नहीं करनी जो मैंने ये 2018 के इलेक्शन में की। बहुत बड़ी मैंने गलती की, गलत लोगों को टिकट्स दिए, हमने कई अपनी इतनी सीटें गवाई क्योंकि हमने इलेक्टेबल्स करके उनको हमने टिकट्स दे दिए, जबकि हमें देने चाहिए थे अपने पार्टी वर्कर्स को, या वो लोग जो के पार्टी वर्कर ना भी हो, नजरिया हो, कोई उनका बिलीफ सिस्टम हो, कोई वो मुल्क की सोचे। अब ये जो आपने ये 20-22 जो भी गए हैं, इनकी जरा
शक्लें भी नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि ये सारी जिंदगी ये समझते हैं कि ये वो पुराना छांगा मांगा का जमाना है, इनको पता नहीं कि सोशल मीडिया का जमाना है, सबकी शक्लें चल रही हैं। मुझे भी कईयों की शक्लें याद नहीं थी, वो सोशल मीडिया जब खोलते हो तो इनकी शक्लें चलनी शुरू हो जाती है। तो ये हमेशा के लिए इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स भी खत्म की है, पैसे तो जितने इन्होंने लिए हैं, जो उस पैसे ये बड़ा महंगा पड़ेगा ये पैसा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।